त्रिपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला को लेकर के बीजेपी सारे जगह पे जीत गई। बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के बीच तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक भाजपा ने 13 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 22 पर बढ़त बनाई हुई है। इस तरह भाजपा बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए यह राह तय कर रही है। इस बीच अगरतला में सीएम मानिक शाह ने आवास पर मिठाइयाँ बांट दी। भाजपा इस समय 33 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। टीपरा मोथा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 5 पर बढ़त बनाई हुई है। लंबे समय तक वाम मोर्चा के गढ़ रहे त्रिपुरा में 2018 में दक्षिणी पंथी पार्टी बीजेपी ने अत्यंत महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी। इस राज्य की राजनीति के रवैया को बदल डालने की घटना थी। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक प्रतिद्वंदियों कांग्रेस और वाम दलों के राज्य की 60 सदस्यों विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए पहली बार हाथ मिलाया है। जिस तरीके से साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 36 और IPFT ने 8 सीटें जीती थी। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 में त्रिपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। पोल ऑफ एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 32 विधानसभा सीटें जीतकर 2018 की ऐतिहासिक जीत को दोहरा सकती है। वाम कांग्रेस गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती है जबकि प्रघोत देव वर्मा की अगुवाई वाली पार्टी त्रिपुरा मोथा को 12 सीटें पर जीत हासिल करने का आसार है। वही त्रिपुरा में भाजपा के रतन लाल नाथ ने 7385 मतों से मोहनपुरी सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं IPFT के शुक्ला चरण नोइतिया ने जोलाई बाड़ी सीट पर 375 मतों से जीत हासिल कर ली है। तो जिस तरीके से यहां पे त्रिपुरा में सारे जगह बीजेपी देखने को मिली, वो बीजेपी पहले से ही दावा कर रही थी। तो इससे लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।